अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारू खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेक श्योर यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी कवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 ए सेलुलर लाइफ। में हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे, अब लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो लाइफ साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस के। हमारे पास होस्ट सेल को जो है ना वो वायरस जो है वो अटैक किया उसने, अब होस्ट सेल को यूज करके वो मैन्युफैक्चर करेगा, अपनी यूज होता रहेगा। लेकिन जब हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की, तो लाइसोजेनिक साइकिल जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करती, इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं होती है वायरस की कि वो हमारे पास अटैक करेगा होस्ट सेल को और इसी को होस्ट सेल को ही यूज करके मैन्युफैक्चर करेगा मोर वायरसेस को। तो नो, ये जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नंबर 2, इसमें हमारे पास है कि इन द लाइटिक साइकिल द वायरल जीनोम डज नॉट इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। इन द बात करें हम लाइसोजेनिक साइकिल की, तो वायरल जीनोम जो है ना वो हमारे पास इनकॉर्पोरेट कर लेता है होस्ट जीनोम से। लाइफ साइकिल याद हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो वायरल डीएनए होता है वो इंजेक्ट हो जाता है होस्ट सेल में, होस्ट में हमारे पास, और फिर जो है ना वो उसकी जो पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 3 था इंटीग्रेशन, उसमें हमारे पास था कि वायरल डीएनए जो है ना डीएनए का ही पार्ट बन जाता है। इंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास साइकिल का जो इंटायर प्रोसेस होता है वो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हो जाता है, जबकि जो साइकिल है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्यों? कोई लाइसोजेनिक साइकिल पड़ी हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास स्टेप नंबर 4 में प्रोफेज होता है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, और ये जो जाता है लाइटिक साइकिल में। लेकिन इसके बीच में कि जब फेज जीन जो है ना वो रिमेन इनएक्टिव हो जाती है, और जब भी हमारे पास एनवायरमेंटल ट्रिगर आएगा, ट्रिगर का मतलब है कि जब भी हमारे पास केमिकल स्टिमुलेट करेगा या फिर हमारे पास रेडिएशन होगी, तब जो है ना ये अपना प्रोसेस वापस से स्टार्ट करेगा। सो ये कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब हमारे पास द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वायरल डीएनए इज हाई, इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वायरल डीएनए की वो हाई होती है। जब करें लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की, तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी वायरल डीएनए की होती है वो हमारे पास लो होती है। आज डिफरेंस नंबर 5 है कि द साइकिल डज नॉट हैव अ प्रोफेज स्टेज, हमारे पास इसमें प्रोफेज स्टेज नहीं होती है। हमारे पास लास्ट स्टेज जो है वो मैच्यूरेशन की होती है, जबकि अगर हम बात करें प्रोफेज स्टेज लाइसोजेनिक साइकिल की तो इसमें होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोफेज जीनोम जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो गया, फिर हमारे पास जो है ना वो स्टेप नंबर 3 होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, 4 में हमारे पास होता है जो एक्टिव होता है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस और स्विच कर जाता है लाइटिक साइकिल में। तो इसमें प्रोफेज स्टेज होता है, तो दैट वी से दैट दिस साइकिल हैज अ प्रोफेज स्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट परफॉर्म बाय एचआईवी इन ह्यूमन। So, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देनी जो है ना वो हमारे पास होती है कि वायरल आरएनए जो है ना वो हमारे पास न्यू डीएनए को बनाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस में कैसे परफॉर्म होता है, तो वायरस में जो है ना वो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के उससे दिया हुआ एंजाइम में अपने आरएनए को यूज करके एक न्यू डीएनए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिस्ट डाउन एनी 5 एनिमल एंड प्लांट वायरसेस विद देयर वेक्टर ट्रांसमिशन एंड सिम्पटम। बुक में जो है ना वो चार्ट बना के दिए हुए एनिमल्स एंड प्लांट्स वायरसेस के, पास पूरा एक चार्ट दिया हुआ है एनिमल वायरसेस विद देयर ट्रांसमिशन एंड सिम्पटम्स। तो आप लोगों को क्या करना होगा, नेम ऑफ वायरस लिखिएगा, आपके पास जो है ना वो वेक्टर होस्ट वगैरह का भी बताना होगा, तो वो होस्ट वेक्टर बताइएगा, ट्रांसमिशन और सिम्पटम की बिल्कुल एक्जैक्टली सेम हो जाएगा। पेज नंबर हमारे पास 113 पे दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई समझा कि आप लोग जुड़ लेंगे। नंबर 8 दिया हुआ है, लिस्ट डाउन द सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन द लाइटिक एंड द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट डाउन करने हैं हमें सीक्वेंस, तो इसलिए जो बैक्टीरियोफेज वायरस में हमारे पास होती है, पहले होती है फेज अटैचमेंट, ये आपकी पूरी बुक में दिए हुए भी हैं। फेज अटैचमेंट होती है, फिर हमारे पास जीनोम पेनिट्रेशन होती है, बायोसिंथेसिस या रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं फेज डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर जो वायरस है वो मेच्योर हो जाता है क्योंकि उसका जो हमारे पास रेप्लिकेशन है डीएनए की वो हो चुकी है, उसके जो अलग पार्ट्स थे टेल हेड और हमारे पास जो टेल फाइबर्स थे वो बन चुके थे, फिर मैच्योरेशन हुई और फिर लाइसिस होती है और रिलीज हो जाता है फेज वायरस जो हमारे पास 100 to 200 की क्वांटिटी में होते हैं। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारे पास होते हैं फेज अटैचमेंट, जीनोम पेन्यूट्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, मैच्योरेशन एंड स्विचिंग, ये भी वही होता है, फेज अटैचमेंट होती है सेम होता है, लेकिन हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, फिर हमारे पास क्या होता है मैच्योरेशन होती है और स्विचिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है कि मैच्योरेशन हुई फिर उसने स्विच कर दिया, हमारे पास जो आना वो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो हमारे पास लाइटिक साइकिल में स्विच हो जाता है, या फिर क्या होता है लास्ट का जो है वो डिफरेंट होगा कि स्विचिंग आ जाए। वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ अ वायरस सर्वाइव विदाउट होस्ट। हमारे पास को कहा जाता है कि ये होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आउट होस्ट के कैसे सर्वाइव करता है ये बताना है हमें। वायरस सर्वाइव करता है आउटसाइड अ बॉडी बिकॉज ऑफ दे आर बिल्ड, कि ये बनाया ही इसी तरीके से है कि सर्वाइव कर सकता है हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। स्पेसिफिकली ना इसके पास पीसेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, वो जेनेटिक मटेरियल में किसी वायरस में आरएनए होता है और किसी में डीएनए होता है, जो होती है
इसके पास होता है, जिसके पास स्पेशल कोटिंग ऑफ प्रोटीन होता है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कुछ के पास कैप्सिड के ऊपर भी एनवेलप होता है और कुछ के पास नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि एनवेलप और नॉन एनवेलप वायरस, तो वायरस नहीं कर सकता जब तक ये होल सेल में एब्जॉर्ब ना हो जाए, जब तक ये जो है वो लिविंग सेल को अटैक ना कर दे। हमारे पास ये भी कहा गया है कि जब वायरस जो है ना वो आउटसाइड होता है, तो इसका कैप्सिड जो है ना वो हमारे पास डिग्रेड करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से इसको चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, या फिर सॉफ्ट सरफेस चाहिए होता है जो वायरस को एब्जॉर्ब कर सके। टर्म्स ऑफ एज जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं कि बिगनिंग में HIV इन्फेक्शन सिम्टम्स जो है ना वो अपेयर होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लाइक फीवर, फ्लू और हेडेक होता है। ये हमारे के लिए रिपीट हो रहा होता है और पर्सन जो है ना वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब क्या होगा हमारे पास कि नेक्स्ट स्टेज में इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो जाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल की वजह से, और हमारे पास इन्फेक्शन भी जो है वो अदर इन्फेक्शन भी हो रहे होते हैं। इन्फेक्शन में इन लोगों ने पूछा नहीं था, वरना जो है ना वो ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया और कैंसर होता है ज़्यादातर। बाकी सिम्टम्स क्या हो रहे होते हैं, तो वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट होता है, डायरिया होता है और डिमेंटिया। डिमेंटिया हम कहते हैं मेमोरी लॉस को। पर सिम्टम्स होते हैं जो अपेयर होते हैं एड्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। तो सिम्टम्स जो है वो मैं बता चुकी हूँ, सो दैट्स वाई जो है वो मैं इसमें सिम्टम्स नहीं लिखे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रिवेंशन लिखे हैं, और बाकी जो है ना वो सिम्टम्स आप इसी को वापस लिख लीजिएगा। प्रिवेंशन जो है ना वो एड्स की ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो उसकी वजह से ही प्रिवेंट होगा कि कंट्रोल कैसे किया जा सके। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, कॉन्टमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है, एक्स ट्रांसफ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। रिडक्शन HIV के स्प्रेड में वो हमारे पास ऐसी हो सकती है कि हम लोग जो है वो निडल्स और जो सिरिंजेस हैं वो हमारे पास क्लीन यूज़ करें। ड्रग्स एडिक्शन होती है तो वो ऐसे ही होता है कि एक सिरिंज ली और जो है वो सब यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं चाहिए, लाइक शेयरिंग शुड बी अवॉइडेड एंड अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अफेक्टेड वन, अवॉइड द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ब्लड, ब्लड से बहुत ज़्यादा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहा होता है, तो इसको भी एग्जामिन किया जाए पहले कि जो है वो सही है, उसको बंदे को कोई बीमारी तो नहीं है जो आप उसको जिसको खून दे रहे हैं उसको भी हो जाए। तो ये जो है वो हमारे पास देखने चाहिए प्रिवेंशन में, सिम्टम्स ये बता दिए। अब जो है ना वो अब हमारे पास प्रियॉन्स एंड वीडियोइड में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। प्रियॉन्स जो है ना वो प्रोटीन पार्टिकल होता है, वेल जो वीडियोइड है वो हमारे पास इन्फेक्टियस RNA मॉलिक्यूल होता है। आप सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा MCQs यही आता है कि प्रियॉन्स जो है ना वो कॉज करता है डिजीजेज एनिमल्स और ह्यूमन्स में। हमारे पास मेड काउ डिजीज़ जो है वो कैटल में करता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। बाकी ह्यूमन्स में हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास ट्राइसोमी 21 होता है, हमारे पास स्लीपलेसनेस डिजीज़ कॉज करता है ये ह्यूमन्स में, जबकि वीरॉइड जो है वो कॉज करता है डिजीजेज इन प्लांट्स। बस प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इसके बाद DNA और RNA नहीं होता है, जबकि वीरॉइड सिंपल नॉन एंड मतलब सिंगल स्टैंड RNA। मैंने अभी आपको बताया था कि RNA मॉलिक्यूल है, तो इसके पास जो है वो RNA होता है और ये सिंपल नॉन एनवेलप है। पहले जो है वो हमारे पास वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रियॉन्स को फर्स्ट टाइम, जबकि अगर हम बात करें वीरॉइड्स की तो किसने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे इन्होंने हमारे पास डिस्कवर किया था वीरॉइड को, इनका नाम था TO Dinner। तो TO Dinner क्वाइन द टर्म वीरॉइड्स इन 1971। अगर यार आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, बाकी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। सो दैट सेट, any query regarding this question answer, so let me know, inshallah I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too, subscribe to my YouTube channel, Allah Hafiz.